नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है बच्चों के लिए। जैसे कि बच्चों को एक समस्या आती है, ये सर्दी में भी होती है और गर्मी में भी होती है। बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, इनकी उम्र होती है 5 साल से लेकर 11 साल तक, 12 साल तक। इसमें बच्चे बाथरूम करते हैं बिस्तर पर रात को सोते हुए। 13 साल के बच्चे भी होते हैं जो बाथरूम करते हैं। इसमें लड़का भी होते हैं और लड़की भी होती है, दोनों ही होते हैं। और ये एक समस्या है, इसके लिए मैं आपको एक घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो आप घर पर ही करेंगे और आप बच्चों को इस परेशानी से बचाएंगे और खुद भी बचेंगे। क्योंकि बच्चे जो हैं बिस्तर पर सोते हुए बाथरूम करते हैं रात्रि में, इसके लिए उपाय है घरेलू। आपको लेना है इसमें तिल। तिल को आप थोड़ा सा भून लें, थोड़ा बादामी कलर हो जाए, और इसको आप बारीक पीस लें, सिलबट्टे पर पीस लें या ड्रायर कर लें। और ये आप बनाकर इसको आप रख लें, क्योंकि डेली ही आपको ये कम से कम 7 से 8 दिन तक आपको देना होगा। और अगर समस्या ठीक नहीं होती है तो 2-3 दिन और बढ़ा सकते हैं आप। ये सुबह शाम आपको देना है। जैसे कि आपने बारीक पीस लिए हैं, जैसे तिल भून लिए हैं, बादामी कलर के हो गए हैं, तो उसमें आप जो है मिश्री पिसी हुई धागे वाली, वो आप तिल के बराबर मात्रा में, जितने तिल हैं, जैसे 50 ग्राम तिल हैं, तो 50 ग्राम ही आप उसमें जो है मिश्री मिला लें, पिसी हुई धागे वाली, और मिक्स कर लें। और ये एक एक चम्मच, छोटी चम्मच, अगर बड़ी है तो आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को दे सकते हैं। और ये जो बाथरूम की जो बच्चों की समस्या है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें आप तिल की गज्जक भी दे सकते हैं, रेवड़ी भी दे सकते हैं, और जैसे कुछ बड़े बच्चे हैं तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं तिल का लड्डू बना के। तिल का लड्डू आप मावा जो होता है दूध वाला, उसमें युक्त करके, जैसे कि मिश्री मिला लें और उसमें आप तिल भुने हुए डालकर कूट कर थोड़ा उसको आप ड्रायर कर लें, बारीक पाउडर की तरह बन जाए, तो आप तिल के लड्डू बना के भी बच्चों को दे सकते हैं सुबह शाम, एक एक लड्डू अगर बड़ा बच्चा है तो। ये जो बाथरूम की जो समस्या आती है इनको रात्रि में, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आप जो मैंने आपको शुरू में जो बताया है पाउडर वाला, और इसमें आप मिश्री मिलाकर ये 5-6 साल के बच्चे को दें, 7 साल तक के बच्चों को दें। लेकिन अगर आप भारी मात्रा में कोई चीज देना चाहते हैं, जैसे कि लड्डू वगैरह, तो 8 से 9 साल की उम्र में होने चाहिए, और इससे ऊपर की उम्र के भी ले सकते हैं, 12-13 साल की उम्र के बच्चे भी ले सकते हैं, जिनको बाथरूम की सोते हुए रात्रि में बाथरूम आना। और सर्दी में ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें आप इसको आप 14 से 15 दिन भी सर्दियों में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये गर्म होता है, इसकी तासीर जो होती है तिल की गर्म होती है। अगर जैसे किन्हीं बच्चों को ज्यादा समस्या, और सर्दी में ये अधिकांश ज्यादा होती है, क्योंकि सर्दी में बाथरूम ज्यादा आता है, और जिन बच्चों को ये समस्या होती है उनको ज्यादा बाथरूम आता है, तो उसमें आप इसको ज्यादा दिन तक भी इसको आप नुस्खे को कर सकते हैं। ये नुस्खा जो है आप इसको 15 दिन भी कर सकते हैं,
20 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन, 28 दिन, क्योंकि सर्दियों में जो है तासीर जो है इसकी गर्म होती है, तो बच्चे पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा गर्मी का, क्योंकि गर्म होता है, तिल जो होते हैं गर्म होते हैं। गर्मियों में आपको ये 5 या 6 दिन या 1 वीक में ही आपको इसको देना है, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये गर्म होता है। और बच्चों की ये जो समस्या है बाथरूम आने की, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको कोई भी मेडिसिन या किसी भी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सटीक नुस्खा है, इसको आप कीजिए, बच्चों को बहुत लाभ होगा और वो पूर्ण तरीके से इस परेशानी से निकल जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए।